और एक बात और बस लू छोड़ देंगे। छोड़ेंगे इसको और एक बार ढीला छोड़ेंगे। एक बार लूज, एक बार और एक बार और एक बार और एक बार और एक बार बस लास्ट है, सांस लेंगे छोड़ देंगे बस बस। आपका पूरा बॉडी लीन करना है, पैर नीचे लगाइए आपके, चिपका लीजिए। हाँ आपका पूरा बॉडी लीन करना है, छोड़िए 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 बस छोड़ दीजिए। यहाँ बैठ जाइए थोड़ा सा, लूज रखेंगे पैर को, लूज छोड़ देंगे। ढीला छोड़ दीजिए। एक करवट पे आप आएंगे, नीचे वाला पैर सीधा, बस लूज छोड़ देंगे। एक श्वास लेंगे छोड़ देंगे। ठीक है, उधर पलट जाएंगे छोड़ देंगे। श्वास लेंगे छोड़ देंगे। सीधा शुरू, एक बार फिर से बस एक बार और बस एक बार और लूज छोड़ देंगे। इसको भी लूज रखेंगे और एक बार और एक बार थोड़ा ऊपर से रख जाएंगे। लूज रखना है, टू लूज लूज रखिए। ठीक है, लूज एकदम ढीला, फोल्ड करेंगे ढीला बस। दर्द हुआ? ठीक है ना, लूज रखेंगे।
और एक बार, उठ जाएंगे आप। बड़ी लो रखी है, बड़ी लो, हाथ से यहाँ रखो, हैंडल्स पे, हैंडल्स पे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। लूज रखेंगे, एक बड़ी श्वास लेंगे, छोड़ देंगे। श्वास लेंगे, श्वास लेंगे, पूरा खुला है ना, पूरा खुला। यहाँ तक देखिए, जो दर्द था अभी पीठ, कमर और पैर में खास तौर से बहुत दर्द था, अभी जो था वो कम हो गया? हाँ, कम हो गया। फ्री हुआ है बॉडी? फ्री हो गई बॉडी पूरा। लास्ट सेशन में जो किया था, मे बी उससे ज्यादा रिलीफ इस बार में हुआ होगा, अभी ज्यादा लग रहा है, क्यों? तो डिकम्प्रेशन बहुत अच्छा हुआ, आपके बॉडी ने इस बार रिस्पांस बहुत अच्छा किया। फर्स्ट टाइम थोड़े से आप डरे हुए थे, लेकिन सेकंड टाइम में वो डर नहीं था, अब सेकंड टाइम में हमको हिम्मत मिली है और रिस्पांस अच्छा मिला है, तो रिलीफ भी ज्यादा होने का चांस रहेगा। अभी कितना रिलीफ लग रहा होगा ओवरऑल? अच्छा लग रहा है, चलो देखिए इसको यहाँ से आगे समझ में आएगा हमको रिलीफ कितना होता है, कितना फर्क बढ़ता पड़ता टिकता है, आप देखिए चेक करिए। बाकी के लिए फिर अपन एक बार और मिलते हैं, ठीक है।